So first of all, good evening everyone, good evening to all of you. Welcome to that day 2 session of this course, C++ Basics. Okay, nice. So now we are going to start the session. First of all, let me introduce myself. This is Vineet Sharma, Machine Learning Engineer from TCL Health. And I am also the mentor of your all for this C++ Basics course. This is your C++ basic course by Code University. किसी का कोई भी डाउट है अभी पूछ सकते हैं सर. जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे? जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इस कोर्स में, मैं आपको बता देता हूँ, वो होंगे जस्ट सिंपल प्रोजेक्ट्स. लेट्स से आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना है. उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट्स में करना पड़ेगा कि कैसे एक पेशेंट को एडमिट करें, कैसे एक पेशेंट को रिलीज करना है, उसकी क्या क्या एक फॉर्म कैसे फिल करना है. उसके अंदर आपकी ये चार पांच चीज़ें होंगी. अगर आप कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको स्कूल के अंदर क्लासेस कैसे हैंडल करते हैं, टीचर्स का डेटा कैसे मैनेज करना है, फाइल हैंडलिंग उसके अंदर आपका यूज़ होगा, ये सब आपके कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट्स होंगे. या आप अपने आप से भी चूज़ कर सकते हो. और ये आपकी जो प्रोजेक्ट्स का एक बंच है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हो. जस्ट आपको एक प्रॉपर C++ का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है. इज देयर एनी अदर डाउट? अभी तो हम बेसिक नो सर, तो फिर एडवांस में ही वर्क करेंगे हम लोग. वेल, आप इसके अंदर जाओगे बेसिक से एडवांस में. जैसा कि हमने इसमें डिस्कस भी करा था, आपके टोटल होंगे 5 प्रोजेक्ट्स. तो आपको डे पर डे आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते रहोगे और लास्ट में एक कोड आप अपने खुद से डेवलप करोगे. आपको उस कोड के लिए मिनिमम 5 डेज की रिक्वायरमेंट लगेगी, 4 to 5 डेज. उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, उसकी PPT भी रेडी करनी है और वो प्रेजेंटेशन आपकी पूरी क्लास में होगी. नो डाउट आप प्रोजेक्ट को छोटा भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. बट द रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू कम्प्लीट द होल प्रोजेक्ट. वो आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. या इज देयर एनी अदर डाउट? किसी और को कोई डाउट? अच्छा, तो ठीक है, इट मीन्स आपको कोई डाउट नहीं है. सो इन केस अगर मान लिया आपको कोई डाउट आता है तो हम कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट करने का हमारे पास सबसे बेस्ट मीडियम होगा, दैट इज स्लैक. या आप सबने मे बी इससे पहले कभी स्लैक पर काम करा हो या नहीं करा हो, मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराता हूँ. ये ओके, सो नाउ आपने C++ कोर्स की डिटेल्स आपको पता चल गई हैं, स्लैक आपका सेटअप हो चुका है, ये मैं मान के चल रहा हूँ. आप कर लेना इसको ज्वाइन जैसे कि आपको टाइम मिलता है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा C++ को VS कोड में इंस्टॉल करना. अब आई थिंक काफ़ी सारे आप फेमिलियर होंगे व्हाट इज़ VS कोड. अगर आपको फेमिलियर नहीं है मैं आपको फिर से मैं बता देता हूँ इसके बारे में भी. VS कोड जस्ट हमारा एक कोड एडिटर. इज दैट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. सर नोट्स दियो. या नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, नॉट एन इशू. ये जस्ट आपका आज से स्टार्ट कर देते हैं आपका सी, जो हमारा सी है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जो आपकी बेसिक सी लैंग्वेज है उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे आज. सो व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स. हम जो है एक कोड लिखते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सके कंप्यूटर से कि वो हमारी कोई एक हेल्प है, कोई एक प्रोसेस है, वो उसको सॉल्व करे. फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लीज डोंट स्पैम यार. I really, it's too irritating. Please don't spam. Okay, just like आपको इसके अंदर example भी है, Hindi to English to communicate with each other. Programming is just a way for us to deliver our instruction to the computer. हम अपने computer को अपनी बात समझाते हैं और हम code के through कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमें उससे requirement है. Now what is C? C is a programming language first of all, and C is one of the oldest and first programming language. हमारी सबसे पहली, सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज सी. सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची
यूएस में इन 1972। जस्ट आपको ये नॉलेज के लिए याद रखना है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यूज ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम अ वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम, सम ऑफ यूज ऑफ सी एज फॉलोज, नीचे आप देख सकते हो। मेजर पार्ट्स ऑफ विंडोज, लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन सी लैंग्वेज। जो आप विंडोज यूज करते हो मैक्सिमम पार्ट्स इसके जो है सी लैंग्वेज में अभी भी लिखे हुए हैं। लिनक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सी के अंदर लिखे जाते हैं। अब नाउ सी क्यों प्रेफर करते हैं? सी या सी प्लस प्लस इसलिए प्रेफर करी जाती है क्योंकि ये फास्ट वर्क करती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। सी इज यूज टू राइट ड्राइवर प्रोग्राम्स टू डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स, प्रिंटर्स। इन डिवाइसेस के लिए हम सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। सी लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज टू प्रोग्राम एम्बेडेड सिस्टम्स वेयर प्रोग्राम नीड टू रन फास्टर इन लिमिटेड मेमोरी, माइक्रोवेव कैमराज ऑल्सो। सी इज यूज टू डेवलप गेम्स एंड एरिया वेयर लेटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई दैट इज कंप्यूटर हैज टू रिएक्ट क्विकली ऑन यूजर इनपुट। क्विकली अगर किसी यूजर के इनपुट के ऊपर हमें एक्शन लेना है तो सी या सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बेस्ट माना जाता है। You are going to know about what are the variables, constants and keywords in C programming. First of all, variable. Variable is a container which stores a value. आप container समझते हो जैसे कि आपके किचन में होते हैं containers. आप उसके अंदर राइस, दाल, शुगर, सिमिलर जो है आपका C का स्टोर्स में आपका कंटेनर की तरह वर्क करता है। आप एक कंटेनर, आप एक वेरिएबल बनाते हो एक A नाम से, उसके अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू 3 को इंस्टॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। डी का बनाते हो 4.7, ना 4.7 इज अ फ्लोट वैल्यू। हम पॉइंट्स में वैल्यूज लिखते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोट वेरिएबल्स, और जो हम कैरेक्टर्स में लाइक ए बी सी डी दीज वर्ड्स का यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कैरेक्टर वेरिएबल्स। नाउ रूल्स क्या है हमारे नेमिंग में वेरिएबल्स के? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो आप फर्स्ट कैरेक्टर लिखते हो, आप ए बी सी डी मतलब कितना भी बड़ा आप इसके अंदर वेरिएबल बना सकते हो, आपको जस्ट एक सिंगल लेटर लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तो आपका होना चाहिए कोई भी एक अल्फाबेट, आपका कोई नंबर नहीं हो सकता, और सेट या फिर आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर। नो कॉमास, नो ब्लैंक्स अलाउड, नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर अलाउड। वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? अगर आप एक ही जगह कैपिटल ही लिख देते हो तो वो आपका डिफरेंट वेरिएबल बनेगा। आप स्मॉल ए कैपिटल ए नाम से दो वेरिएबल बना सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। ओके, नाउ कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कोई भी एक एन एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। कोई भी अगर आप मान लिया एक वेरिएबल बनाते हो जिसकी वैल्यू में, रिपीट करना। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हमने जैसे कि डिस्कस करा था हमारे पास होते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स में हमारे फ्लोट्स फ्लोट नंबर्स आ जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हो पॉइंट वेरिएबल्स आते हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के अंदर हम ये सारी वैल्यूज यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर हैविंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिवर्स वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। दीज आर 32 कीवर्ड वेरिएबल्स इन सी। कीवर्ड्स आप देख सकते हो जो हम कोई भी एक कॉन्स्टेंट है जो हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी एक वेरिएबल, उससे पहले जो यूज होने वाला वर्ड होता है दैट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड आप देख सकते हो हमारी सी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से है। ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर के लिए हम सी एच आर कैर यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्टिन्यू, दीज आर ऑल कीवर्ड्स, बेसिक कीवर्ड्स जो आप यूज करते हो। मैक्सिमम जो आप यूज करते हो दैट इज अ इंट, फ्लोट, डबल एंड या स्ट्रक्ट आप कई बार यूज कर सकते हो। यूनियन एंड अनसाइंड, अनसाइंड आपका काफ़ी कम यूज होता है। कैर आप यूज कर सकते हो टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। ये जो है आपके कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं यूज होते हैं। उसके बाद जो आपका फर्स्ट सी प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। आपको एक फंक्शन बनाना होता है, इंट में ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, फिर आपके कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद हमारा एक फंक्शन होता है प्रिंट, प्रिंट एफ के नाम से, जो आपकी कोई भी एक स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर देगा। डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी अपनी स्ट्रिंग को कराना चाहते हो प्रिंट अपनी स्क्रीन के ऊपर, जस्ट आपने वो लिख देना है। एंड लास्ट में रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मीन्स दिस फंक्शन, होल फंक्शन इज रिटर्निंग जीरो इन द एंड, इट मीन्स दिस इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ऑल सी प्रोग्राम हैज टू फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर। एज अ सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ मेन फंक्शन, सबसे पहले आपका एक मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर की इंस्ट्रक्शंस को अपना चलाता रहेगा साथ साथ।
ईच इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट्स विद अ सेमीकोलन, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है उसके लास्ट में हमारा सेमीकोलन आएगा, उस इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करने के लिए। देयर आर सम रूल्स व्हिच आर अप्लाइड टू ऑल द सी प्रोग्राम्स। या फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स विद मेन फंक्शन। आपका सबसे पहले जो होगा मेन फंक्शन क्रिएट होगा, जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। ऑल द स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। या इंस्ट्रक्शन आर केस सेंसिटिव, ये भी हम जान चुके हैं, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी वो केस सेंसिटिव होगी। इंस्ट्रक्शंस आर एक्सिक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, इट मीन्स अगर आपकी कोई इंस्ट्रक्शन पहले लिखी है तो पहले ही एग्जीक्यूट होगी, ना कि बाद में। आफ्टर दैट हमारे कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स आर यूज टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्राम इन अ प्लेन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक फंक्शन बनाते हो तो उसके ऊपर आप एक कमेंट डाल सकते हो कि ये फंक्शन किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है इस प्रोग्राम के अंदर, वहाँ आपका कमेंट्स जो है यूज़ हो जाएगा। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप डबल हैश यूज़ कर सकते हो, मल्टी लाइन के लिए आप हैश स्टार, और लास्ट में इसको सेम क्लोज करने के लिए स्टार हैश आप पैटर्न यूज कर सकते हो। नाउ कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये आप इस देख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रोग्राम लिखते हो, आपने लेट्स सपोज फर्स्ट डॉट सी के नाम से एक प्रोग्राम अपना क्रिएट करा VS Code के अंदर। उसके बाद आप जब उसको डीबग करोगे, कंपाइल करोगे, तो आपका होगा सी कंपाइलर यूज, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर GCC को डाउनलोड करा है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर क्या करेगा, आपकी एक exe फाइल होती है हमारी सॉफ्टवेयर फाइल, वो आपकी एक सॉफ्टवेयर फाइल बना देगा। एंड या दैट इज व्हाट यू नीड, आपको ये exe फाइल जो है रन करनी है लास्ट, जो आपको आउटपुट आपका प्रोवाइड करेगा। Is that clear to everyone? Sir? Yes. Yes, yes, sir, yes. हर एक लैंग्वेज की एंड में exe फाइल बनती है। Well, no. हर एक लैंग्वेज के लिए देखो, लास्ट में हमने क्या बनाना होता है, एक सॉफ्टवेयर फाइल बनानी होती है। सी और सी प्लस प्लस में आपको लास्ट में exe फाइल ही मिलती है। जो आप सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते हो, लेकिन उसमें आपका रन करने का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसके बाद चलो ये हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा सी के थोड़े से बेसिक्स आपको क्लियर है। लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं हमारे प्रिंटफ, जो हमने पहले से डिस्कस करे, किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए हमारा जो यूज होता है। प्रिंटफ के अंदर हम % यूज करते हैं किसके लिए, जो हमारा नेक्स्ट आने वाला वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई एक वैल्यू स्टोर कराई आई के अंदर, अब हमें उसको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपने डबल कोटेशंस के अंदर % यूज करेंगे और लास्ट में हम आई से डिनोट करके उसको प्रिंट करा देंगे इन द प्लेस ऑफ % ये होता है हमारा इंटीजर के लिए। या और जो हमारा रियल नंबर्स के लिए होता है % f, इंटीजर के लिए होता है d, रियल नंबर्स जो हमारी फ्लोट वैल्यूज होती हैं उसके लिए % f, एंड कैरेक्टर्स के लिए होता है हमारा % c। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। या और यहाँ पर एक एंड लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड इज इम्पॉर्टेंट जब आप scanf यूज करते हो, नॉट इन printf, इन scanf। scanf क्या फंक्शन आपका है, scanf होता है आपका इनपुट के लिए, printf होता है आपका आउटपुट, जो आपको स्क्रीन पे शुरू करना है उसको देने के लिए। scanf जो होता है आपने इनपुट कराने के लिए यहाँ पर आपको % लिखना है, और उसके बाद जो आपने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आप इनपुट कराना चाहते हो उस वैल्यू को, उसका आपको एड्रेस पास करना है। एड्रेस आप कैसे पास करते हो, एंड वेरिएबल यूज करके। यहाँ पर आप देख भी सकते हो एंड इज अ एड्रेस ऑपरेटर, एंड इट मीन्स दैट द सप्लाई वैल्यू शुड बी कॉपीड टू द एड्रेस व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द वेरिएबल आई हियर। Is that clear to everyone? Is there any doubt? Shall we further? Yes, sir. Percentage D वाला आपको दोबारा बता देते हैं। या जब भी आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने 20 वैल्यू स्टोर करा दी। अब 20 इज एन इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू के लिए आप % यूज करोगे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल आपका कोई वैल्यू है 20.5, नाउ इट इज अ फ्लोट वैल्यू बिकॉज इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ अ डॉट बिटवीन थ्री वैल्यूज लाइक 1, 2, 0 एंड 5, देयर इज अ डॉट,
इट इज अ रियल वैल्यू, तो उसके लिए आपको परसेंट एफ यूज करना है। लास्ट में कैरेक्टर के लिए जस्ट आपका कोई भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपने लेट्स सपोज कोड यूनिवर्सिटी ही डाल दिया, एसई डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, कैरेक्टर डाल दिया, तो उसको प्रिंट कराने के लिए आप परसेंट सी यूज करते हो सी लैंग्वेज में। इज दैट क्लियर? सेकेंड चैप्टर इज इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी लेंगे। अ सी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले तो ये बात आपको माइंड में बिठानी है, अ सी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जस्ट लाइक अ रेसिपी। व्हाट? क्लियर नहीं आ रहा सर, बोर्ड क्या लिखा है शेयर किया आपने। इज एवरीवन इज फेसिंग दैट इशू? नो सर। इट्स ओके, सारे झूठ बोल रहे हैं सारे। ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एन इशू। आपको जो यूट्यूब पे जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, आपको वहां पे सर नेट में फिर नहीं आना, वाईफाई की स्पीड नहीं आ रही हॉस्टल में। आई थिंक इट इज नॉट माय इशू, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, अदरवाइज आई विल। हॉस्टल में ना वाईफाई बहुत अच्छा आता है। जो हमारा एक सी प्रोग्राम है, टोटल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जस्ट लाइक अ रेसिपी व्हिच कंटेन्स। ओके, तो हम क्या करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स का। इंस्ट्रक्शन, अब हमारा जो सी प्रोग्राम है उसके अंदर टोटल हमारा वर्क होता है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होता है हमारा एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, जो हम एक लाइन लिखते हैं एक कोड की, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? डिक्लेरेशन, अर्थमेटिक एंड कंट्रोल, तीन टाइप की हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन तीनों टाइप को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी आती है डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, हम किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, दैट इज अ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, इंट आई इज इक्वल टू 10, दैट इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। आप कोमा सेपरेटेड करके अदर को भी मतलब कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो अदर वेरिएबल्स को भी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, जे की जो हमारी आई की वैल्यू थी हमने जे के अंदर पुट करा लिया है। हमने एक वेरिएबल ए नाम से बनाया जिसके अंदर हमने 2 एक इंटीजर वैल्यू है उसको इंपोर्ट करा लिया है। फॉर एग्जांपल फ्लोट की यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस 3, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू कैन एग्जीक्यूट हियर। सो दीज आर ऑल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जिसमें आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। आफ्टर दैट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जहाँ पे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई दीज ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे आपका परसेंटेज यूज होता है, ये होते हैं हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जहाँ पे आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज होते हैं वहाँ उनको कहते हैं आप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब आपको सबसे पहले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक्सट्रिक स्टार सिंबल यूज करते हैं, डिवाइड के लिए हम डिवाइड का जस्ट एक नॉर्मल सिंबल यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है हमारा एक मॉड्यूलर सिंबल हियर, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। रिटर्न करता है क्या, जो हमारे रिमाइंडर होता है, जो भी एक दो नंबर्स को हमने लेट्स सपोज डिवाइड करा, फॉर एग्जांपल हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सो आपको पता है हमारा एक रिमाइंडर आएगा 1, तो वो जो 1 है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, C++ प्रोग्रामिंग में, C++ सी प्रोग्रामिंग में नो ऑपरेटर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, ये दीक्षांत वर्मा मुझे परेशान करता है सर, ये आज मुझे प्लीज ट्राई टू स्विच ऑफ योर कैमरा, स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, प्लीज गॉड्स मैन। ओके, लास्ट में आपने कोई भी एक ऑपरेटर को अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अब आप ए बी लिख देते हो साथ में, तो ए बी आपने अज्यूम अपनी तरफ से नहीं करना है कि वो अपने आप उसके अंदर एक मल्टीप्लाई सिंबल लगा देगा और आपकी ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन आफ्टर दैट हमारा एक कंसेप्ट आता है टाइप कन्वर्जन का। टाइप कन्वर्जन किस तरह से, एक इंट है, इंट है, हम एक फ्लोट को इंट में या फिर फ्लोट इंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है,
क्या फ्लोट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो सकता है थोड़े अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कॉम्बिनेशन इंट एंड इंट के वो इंटीजर वैल्यू बनेगी। इंट एंड फ्लोट अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर कोई भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो रिजल्ट आएगा आपका फ्लोट। फ्लोट और फ्लोट में करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा फ्लोट वैल्यू। ओके गाइस, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें कोई बेसिक कोई ज़्यादा हाई चीज के अंदर यूज नहीं हुआ। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, ये आप देख लो। इन सी लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिकल रूल लाइक बोर मास नो लॉन्गर अप्लाइज। जो मैथमेटिकल रूल होता है हमारा बोर मास का वो सी लैंग्वेज के अंदर अप्लाई नहीं होता। ओके, अगर आपको सेम अगर ये आपको ट्राई भी करना है तो जस्ट ये जो एक्सप्रेशन आप सी के अंदर रख करके देख सकते हो जो आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स रूल्स के हिसाब से आंसर आएगा और जो आपका सी लैंग्वेज के हिसाब से कंप्यूटेड आंसर आएगा दैट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे प्रायोरिटीज आप देख सकते हो। प्रायोरिटी फर्स्ट पे आता है हमारा मल्टीप्लाई डिविजन एंड मॉडुलस। सेकंड में आता है प्लस एंड माइनस एंड थर्ड में आता है आपका इक्वल टू। ओके गाइस, लास्ट में आता है आपका ऑपरेटर एसोसिएटिव। जस्ट आप इसको अपने मतलब आपको ये नोट्स दे दी जाएंगे। दैट इज कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप जाकर रूल कर सकते हो। लास्ट में आती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बाद हमारी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नाउ व्हाट इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दैट इज डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम। ये भी हमारी फोर टाइप्स की होती हैं, सीक्वेंस कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल, केस कंट्रोल। इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। नाउ इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें पूछ सकता है। इन द लास्ट हमारा ये चैप्टर हमारा कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस, जो हमारा लास्ट इंस्ट्रक्शन टाइप रह गया जिसके अंदर आपने चार पांच पढ़ी थी। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। समटाइम्स वी वांट टू वॉच कॉमेडी वीडियोस ऑन यूट्यूब इफ द डे इज एंड। ठीक है, तो ये जस्ट आपने एक्सप्रेशन रीड करो। यहाँ पर आपने नो, अगली क्लास में आपको करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जस्ट आप ये एक बार समझ लो कि कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस का हमारा वर्क क्या होता है। आपने जस्ट ये स्टेटमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट्स है, समटाइम्स वी वांट टू वॉच कॉमेडी वीडियोस ऑन यूट्यूब इफ द डे इज संडे। नाउ कंडीशन का क्या मतलब होता है, कंडीशन क्या, जहाँ पर आपको एक कंडीशन मिल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इफ यूज करा तो ये हमारी कंडीशन बन गई कि हम क्या समटाइम्स कि हम कभी कभी कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद करते हैं जब वो दिन संडे का होगा। नाउ इट इज अ कंडीशन कि वो दिन हमारा संडे का है। सिमिलरली अदर अदर स्टेटमेंट, समटाइम्स वी ऑर्डर जंक फूड इफ इट इज आवर फ्रेंड्स बर्थडे इन द हॉस्टल। नेक्स्ट, यू माइट वॉन्ट टू बाई एन अम्ब्रेला इफ इट इज रेनिंग। सो यहाँ पर हमारी जो कंडीशनल आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस, अगर हमें कोई एक कंडीशनल इंस्ट्रक्शन को वर्क करना है तो वहाँ पर हमारी इफ एल्स एलएफ जैसी स्टेटमेंट्स जो है वहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज व्हाई वी नीड कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हमारी लास्ट में आती है चार पाँच तरह की जो हमने करी थी वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में।